हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अर्जुन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम फरवरी सेकंड वीक यानी कि 8 से 14 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। इस पार्ट में टोटल 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक अगर देखते हैं आप इस वीडियो को तो आपको सारे क्वेश्चंस इसी पार्ट में याद होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ज्ञानार्जुन क्लासेस के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम किस शहर में बनाया जा रहा है? आंसर है मोटेरा, गुजरात में। इसका उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में द थिन माइंड मैप बुक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? आंसर है धर्मेंद्र रॉय। ये बुक माइंड मैपिंग पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में किस देश की स्टार्टअप कंपनी द्वारा एक साथ 34 उपग्रह को लॉन्च किया गया है? आंसर है ब्रिटेन। कंपनी का नाम है वनवे, मुख्यालय है इसका लंदन में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो ड्रेबेलो डिसूजा 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर है पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाल ही में मत्स्य पालन पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर है आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नया कोरोना वायरस को आधिकारिक नाम क्या दिया है? आंसर है COVID-2019। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है इसके टेड्रोस एड्रेनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, हाल ही में किस देश ने भारत को व्यापार लाभ के लिए निर्यात करने वाले देशों की सूची से हटाया है? आंसर है अमेरिका। ऐसे देश जो व्यापार लाभ के लिए एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें अमेरिका द्वारा हटा दिया गया है। भारत के साथ साथ ब्राजील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका को भी हटाया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट नोट ये भी है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 24 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी किसने की है? आंसर है केरला। इसमें 12 देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 11 है, 13 फेब को भारत तथा ब्रिटेन के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? आंसर है अजय वॉरियर। इसका आयोजन ब्रिटेन के सैली सबरी मैदान क्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, हाल ही में अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर है एम वेंकैया नायडू। ये भारत के प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की ये बुक है, ये ऑटोबायोग्राफी है। 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, हाल ही में ICC वीमन चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मुख्यालय है इसका दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया गया है? आंसर है 10 फरवरी को। दलहन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन UNDP द्वारा किया जाता है। UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष है इसकी अचीम स्टेनर। इसके साथ ही जो भी फेब में अभी तक इम्पोर्टेंट डे पड़े हैं मैं आपको बताती हूँ। 1 फरवरी को आया था भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र दिवस। 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी को मनाया गया है विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एंड 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस। इसके साथ ही और भी इम्पोर्टेंट दिवस जो भी फेब में आते हैं मैं आपको आगे और क्वेश्चन के साथ बताती जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, हाल ही में किस फिल्म ने 92 ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? आंसर है पैरासाइट। दक्षिण कोरियाई निर्देशक एंड स्क्रिप्ट राइटर्स बोंग जून हो की फिल्म पैरासाइट को बेस्ट फिल्म
बेस्ट निर्देशक, बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म व बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। जॉकिन फिनिक्स को फिल्म जॉकर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। रिली जेलविगर को फिल्म जूरी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाकुआ पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है? आंसर है काम्या कार्तिकेयन। माउंट एंकाकुआ की ऊंचाई है 6,962 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहली हेली सेवाओं की शुरुआत की है? आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए $2 मिलियन की निधि को मंजूरी दी है? आंसर है एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। निधि का मतलब होता है अमाउंट से। एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है इसका मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष है इसके मसातसुगु असाकावा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज कहां बनाया जाएगा? आंसर है ऋषिकेश। उत्तराखंड की सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। ये पिछले साल बंद हो चुके लक्ष्मण झूला को हटाकर बनाया जाएगा, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? आंसर है असम। कार्यान्वयन का अर्थ होता है इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सेवा की मंजूरी दी है? आंसर है व्हाट्सएप। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट्सएप के 10 मिलियन यूजर्स हैं। स्थापना हुई थी इसकी 2009 को। मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया में और प्रेजेंट में सीईओ है इसके क्रिस डे डेनियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? आंसर है विराट कोहली। दूसरे नंबर पर रहे हैं अक्षय कुमार। तीसरे नंबर पर रहे हैं रणवीर सिंह। क्वेश्चन 23 है, हाल ही में स्पाइस जेट ने अपना सीसीओ नियुक्त किसे किया है? आंसर है शिल्पा भाटिया। सीसीओ की फुल फॉर्म है चीफ कमर्शियल ऑफिसर। अगला क्वेश्चन 24 है, हाल ही में किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है? आंसर है भारत। थल सेना के मेजर अनुप मिश्रा द्वारा ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में अटल भूजल योजना को मंजूरी दी है? आंसर है 7 राज्य। 7 राज्यों में राजस्थान, एमपी, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, यूपी और महाराष्ट्र है। ये योजना इसलिए लागू की गई है ताकि जो वहां पर ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं उनकी मेंटेनेंस हो सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी के द्वारा कच्चे तेल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? आंसर है रूस। आईओसी की स्थापना हुई थी 1959 में। मुख्यालय है इसका न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट में चेयरमैन है इसके संजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मान किसे दिया गया है? आंसर है डॉक्टर एनएस धर्मशक्तु। ये पुरस्कार इन्हें कुष्ठ रोग के खिलाफ योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स द्वारा किस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड को लॉन्च किया गया है? आंसर है भारत। इस फंड का यूज बच्चों के शोषण को रोकने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है क्रिस्टीना कोच। ये 6 फरवरी 2020 को अंतरिक्ष से वापस आई है। ये 328 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 राज्यों में कितने तापीय ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की चेतावनी दी है? आंसर है 14। ये चेतावनी इन्हें रूल्स फॉलो ना करने पर दी गई है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, जो भी शेयर करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आगे और ऐसे ही एक और अच्छे वीडियो के साथ।